हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक ऑफ नेम्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बेबी बॉय के लिए काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न से नाम ढूंढ रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ कुछ टॉप 10 हिंदू बेबी बॉय के नाम जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी वीडियो को प्यार से लाइक नहीं किया है तो प्यार से लाइक कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का सबसे पहला नाम है ध्रुविल, एंड ध्रुविल नाम का अर्थ होता है निश्चित रूप से। अब आपका नेक्स्ट नाम है निहित, एंड निहित नाम का अर्थ होता है भगवान का उपहार। अब आपका नेक्स्ट नाम है भौमिक, एंड भौमिक नाम का अर्थ होता है भूमि मालिक। अब आपका नेक्स्ट नाम है निपुण, एंड निपुण नाम का अर्थ होता है विशेषज्ञ। अब आपका नेक्स्ट नाम है समंत, एंड समंत नाम का अर्थ होता है सार्वभौमिक। अब आपका नेक्स्ट नाम है मुराद, एंड मुराद नाम का अर्थ होता है इच्छा। अब आपका नेक्स्ट नाम है तनुष, एंड तनुष नाम का अर्थ होता है भगवान गणेश। अब आपका नेक्स्ट नाम है निशिक, एंड निशिक नाम का अर्थ होता है नया। अब आपका नेक्स्ट नाम है आवंश, एंड आवंश नाम का अर्थ होता है आगामी पीढ़ी। आपका नेक्स्ट नाम है तारुष, एंड तारुष नाम का अर्थ होता है विजेता। अब आपका नेक्स्ट नाम है निशांत, एंड निशांत नाम का अर्थ होता है महत्वाकांक्षी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ यही नाम थे आपको क्यूट से बेबी बॉय के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाएं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।